लोमड़ी और अंगूर। बहुत साल पहले एक लोमड़ी रहता था जो खाने का बड़ा शौकीन था। एक दिन बेचारा लोमड़ी जंगल में भूखा घूम रहा था। जल्द वह एक जगह पहुंचा जहां पर बहुत सारे अंगूर की लताएं थे। लोमड़ी अंगूरों को घूरता हुआ खड़ा रहा। कितने रसीले लग रहे हैं। उफ़, इन अंगूरों को मुंह में डालते ही पिघल जाएंगे। काश मैं उन तक पहुंच पाता। रसीले अंगूर बहुत ऊंचाई पर लटक रहे थे तो लोमड़ी पहुंच नहीं पाया। लोमड़ी ने ऊंचा कूदने की बहुत कोशिश की पर हर बार असफल रहा। उसने कूदा, खुद को खींचा, फुदका पर कुछ हो नहीं पाया। लोमड़ी थक गया और हांफने लगा। अंत में जब लोमड़ी ने हार मान लिया उसने जोर से कहा, कोई जरूरत नहीं मुझे उन अंगूरों की, खट्टे ही होंगे। एक खरगोश उस रास्ते से जा रहा था और लोमड़ी को संघर्ष करते हुए देखा। लोमड़ी के पास जाके बोला, हे लोमड़ी, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, रुक क्यों गए? तुमने बस सोच लिया कि अंगूर खट्टे हैं ताकि तुम्हारे पास अंगूरों को ना पकड़ने का बहाना मिल जाए। उधर देखो उस बड़े पत्थर को, थोड़ा दिमाग लगाते तो तुम उस पत्थर को इधर ढकेल कर उस पे चढ़कर आराम से अंगूर तोड़ पाते। तुम्हें कैसे पता कि ये मीठे होंगे? और वैसे भी तुम एक छोटे खरगोश हो, तुम्हें क्या पता? तो अब एक ही रास्ता है जानने का। पर वाह, सच में कितने रसीले लग रहे हैं ना। चलो मैं खुद देखता हूँ अंगूर तोड़कर। छोटे खरगोश के साहस को देखकर लोमड़ी आश्चर्य रह गया। सोचने लगा कि कैसे ये छोटा सा जानवर अंगूरों को तोड़ पाएगा। खरगोश ने अपने चारों ओर छान मारा और कुछ पत्ते ढालियों को जमीन पर देखा। उन ढालियों को उठाकर एक साथ घुमाने लगा एक रस्सी के रूप में और बस एक मिनट में हो गया तैयार। खरगोश ने अपनी रस्सी को हवा में गोल गोल घुमाकर अंगूर पर निशाना डालकर जोर से फेंका। ढालियां की गांठ सीधा अंगूर के गुच्छे में जा फंसा। पूरे बल से खरगोश ढालियों की रस्सी को खींचने लगा। लोमड़ी हैरान होकर खरगोश की ओर देख रहा था। जल्द अंगूर की डाली काफी नीचे उतर गई और खरगोश ने अपने डालियों की रस्सी को जमीन पे बांध दिया। अब खरगोश आसानी से अंगूर के गुच्छे तक पहुंच पाया। अब इतना भी कठिन नहीं था ना, बस थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत की जरूरत थी। चलो मैं चलता हूँ, शुभ दिन लोमड़ी। खरगोश खुशी से अंगूर खाते खाते चला गया और लोमड़ी अभी भी दंग होकर खड़ा रहा। जो हम पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करना आसान है पर जीवन में कुछ भी मेहनत के बिना नहीं प्राप्त होगा। तो मेहनत करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो।